हेलो एवरीवन। तो बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इन केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है? कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना। कंबाइन क्या होता है? जुड़ना, में दो चीज आपस में क्या होंगी? कंबाइन हो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। अब हमने क्या बताया है, हमारे पास रिएक्टेंट क्या होंगे, जो क्या होते हैं, दो होंगे या दो से फिर क्या होंगे, अधिक होंगे। ठीक है, सिंगल चीज नहीं होगी इसके अंदर। तो रिएक्टेंट कितने होंगे? दो या दो से अधिक। उससे जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दो चीज मिलकर बनाएंगे किसी भी एक चीज को, या दो से अधिक चीज मिलकर क्या बनाएंगी, एक सिंगल चीज को बनाएंगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इमारत जैसे हमने कल देखा था, सी प्लस ओ टू देखा था ना, जैसे ये रिएक्शन होती है इसमें क्या बनता है, सीओ टू। हमारे पास रिएक्टेंट कितने हैं? टू, लेकिन प्रोडक्ट क्या हमारे पास? सिंगल है। मान लिया आपके पास क्या है, मैग्नीशियम है और क्या है, ऑक्सीजन है। जब मैग्नीशियम क्या होता है, रिएक्शन करता है विद ऑक्सीजन, इसे बनता है एमजीओ। ठीक है, क्या बनता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, इस रिएक्शन के ऊपर, व्हाई मैग्नीशियम रिबंस आर क्लींस बिफोर यूज अगेंस्ट, या उसको दोबारा अगर हवा में जलाना हो मैग्नीशियम के रिबन को, उसको हम क्लीन क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम क्या धातु है, व्हेन मैग्नीशियम मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम क्या करेगी, ऑक्सीजन से क्रिया करती है, इट फॉर्म ए ऑक्साइड लेयर ऑन इट। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या हो गया, ऑक्साइड की क्या एक लेयर बन जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। तो अगर हमें मैग्नीशियम को दोबारा यूज करना हो, तो वी हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जो ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे रिएक्शन क्या करता है, इसको ऑक्सीजन के अंदर खुला रख देंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, तो इसके ऊपर क्या ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी, उससे अगर उसको हम दोबारा से यूज करना है तो ऑक्साइड की लेयर को हम क्या करेंगे, रिमूव करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, दो चीज है आपस में मिली, तो उससे क्या बना है, चीज बनी है। इमारत में हमारे पास हाइड्रोजन है और Cl2 है, इसे क्या बना है, 2HCl बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, दो चीज जुड़ी है, बनी क्या है, सिंगल एक चीज बनी है। तो ऐसी क्रियाएं जिसमें दो चीज जुड़ के सिंगल एक चीज बनाए, दो चीज जुड़ के सिंगल एक चीज बनाए, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ आ गए। नाउ सेकेंड, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, अब हमने पढ़ा था कंबाइन, जुड़ना, डिकम्पोज मतलब टूटना। अब इसमें क्या होगा, कोई भी एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, उसे दो भी बन सकते हैं और तीन भी बन सकते हैं, ज्यादा बन सकते हैं, मतलब कोई भी एक चीज टूटेगी उससे बनेगी ज्यादा चीज, इसका मतलब होता है किसी चीज का टूटना, डिकम्पोज होना, ब्रेकआउट होना। ठीक है, तो दोज रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट प्रोड्यूस टू और मोर प्रोडक्ट। अगर किसी भी एक चीज से एक से अधिक चीज बनती है, एक से अधिक प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसको हम बोलेंगे डिकम्पोज होना।
अब मान लीजिए क्या है, सिंगल चीज है, इसको हमने ब्रेक कर दिया, दो बन गई ना, तो ये क्या हुई है, तोड़ दिया हमने, रिकम्पोज कर दिया इसको, तो उसी प्रकार से क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर होता है। ये मान लिया आपके पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसको हीट करते हो, मैं यहाँ पे ट्राइंगल का एक निशान बना रहा हूं, त्रिभुज का, इसका मतलब होता है हीट देना। जब आप इसको हीट करोगे, इसे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें से CO2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास रिएक्टर की तरह सिंगल बनी कितनी चीज है, दो बनी है, तो इसका मतलब ये एक चीज क्या होगी, दो के अंदर क्या है, टूट गई, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मान लिया आपके पास फेरस सल्फेट है Fe4, अगर आप इसको हीट करते हो, ठीक है, इसे बनेगा Fe2O3 SO2 और SO3, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब हमने, हमारे पास रिएक्टेंट क्या था, सिंगल था ना, केवल एक ही रिएक्टेंट था, उससे हमारी कितनी बन गई, दो चीज बन गई। ठीक है, ये हमने क्या किया, हीट। अब जो हमारी डिकम्पोजिशन होती है वो तीन चीजों से होती है, एक तो होती है हीट के बेस पे, हम हीट के द्वारा क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन सॉल्व करते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे, क्या करती है, कौन सी ऐसी होती है, डिकम्पोजिशन होती है। और थर्ड होता है लाइट। अब जो रिएक्शंस, ये जिसके अंदर जो रिएक्टेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, तो उसको बोलते हैं हम हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट, जो हीट की उपस्थिति में होगी उसको बोलते हैं हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब इन दोनों रिएक्शन में हमें क्या है, हीट की रिक्वायरमेंट पड़ी है, तो इसलिए इसको हम कैटेगराइज करते हैं हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। सेकंड है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बेस के ऊपर। मान लिया आपके पास वोटर है, क्या है, वोटर, वोटर के अंदर से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, आपने बिजली पास कर दी, तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या होगी, इसमें से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब मान लिया हमारे पास यहां पर हाइड्रोजन कितना था, दो है, यहां पे दो है, कितना वहां पे दो, यहां पे कितना एक, आप दो से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपने दो से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन कितना होगा, चार हो गया, ऑक्सीजन कितना है, दो, टोटल कितने हैं, छह है ना, यहां पर हाइड्रोजन कितना था, दो, अगर आप इसको दो से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, ऑक्सीजन यहां पर कितना हो जाएगा, कितना है, दो, टोटल कितना हो गया, सिक्स। ठीक है, मैं सभी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करूंगा, ठीक है, अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख देना, तो मैं एक जो लेक्चर है स्पेशल आपको रिएक्शन को बैलेंस करना सिखा सकता हूं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट, अगर मान लें आपके पास क्या है, NaCl का एक सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस होता है जो पानी में डिजोल्व होता है, क्या है ये, एक्वस सॉल्यूशन। जब आप इसमें से क्या पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी, क्या पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें क्या होते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं, क्या बनते हैं, इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इसके अंदर से बनेंगे। ठीक है, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब इसमें क्या हुआ है, डिकम्पोज, कोई भी एक चीज है उससे क्या है, दो चीज बनी है, मतलब ये क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ, तो इसको डिकम्पोज किसके कारण हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुई है, और इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये थी हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, लास्ट है हमारी लाइट वाली। अगर मान लिया आपके पास क्या है, AgCl है, ठीक है, क्या है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, अगर आप इसको लाइट में रख दोगे, किसमें रख दोगे, लाइट के अंदर से, तो इससे क्या बनेगा, Ag सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में से क्या हो जाएगी, बाहर रिमूव हो जाएगी। ये आपके पास क्या है, AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है,
तो इससे क्या बनेगा, सिल्वर अलग हो जाएगा एजिंग और इसमें से ब्रोमीन गैस क्या हो जाएगी बाहर पास आउट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, अगर आपने सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रख दिया तो सूर्य प्रकाश उससे रिएक्शन करके उसको एजी के अंदर और Br2 ब्रोमीन के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। अगर आपने सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रख दिया उसे बनेगा Ag+Cl2। तो ये जो रिएक्शन हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, सो इट इज कॉल्ड एज ए लाइट डिकम्पोजन रिएक्शन, लाइट डिकम्पोजन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिस कम होता है किसी का दूसरे का प्लेसमेंट, क्या हुआ जगह, जब कोई दूसरे की जगह को ले लेता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेस करना, किसी ने किसी को डिस्प्लेस कर दिया, किसी ने किसी की जगह को चेंज कर दिया तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चेंज ऑफ द प्लेस। तो दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट डिस्प्लेस आर लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट, इज कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको हम कहेंगे। मैंने आपको यह बताया है इस सेशन के अंदर कि जब भी कोई मोर रिएक्टिव चीज होगी वो किसी भी एक लेस रिएक्टिव चीज को क्या कर देगी, वहां से चेंज उसके जगह को चेंज कर देती है। मान लिया क्या, स्कूल में एक बेंच है, क्लास पूरी भरी हुई है, एक ही बेंच है, उस पर तीन ही बैठे हुए हैं पहले ही, तो कोई मान ले कोई ताकतवर या कोई मोटा लड़का आता है, वो क्या करेगा, किसी को जो पतला सा होगा उसको उठा के साढ़े में रख देगा। क्यों वो रख देगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ताकत है, क्योंकि उससे क्या है ज्यादा रिएक्टिव है, और रिएक्टिव होने के कारण उसने क्या कर लिया, पतले के स्थान को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो उसी प्रकार होता है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो अब मान लिया आपके पास क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, कैसा है कॉपर सल्फेट का, अगर आपने इसमें जिंक की मेटल डाल दी, कोई मेटल डाल लिया जिंक, तो जिंक मेटल इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये मेटल क्या करेगी, इसके सल्फेट के आयन को डिस्प्लेस कर देगी। जिंक मेटल क्या करेगी, डिस्प्लेस द आयन ऑफ सल्फेट को सल्फेट फ्रॉम द कॉपर मेटल्स। तो उससे क्या बनेगा, जेड एन जुड़ जाएगा SO4 से, क्या बन गया जेड एन SO4 बन गया। ठीक है, बच गया क्या यहां पर, केवल CU, आपने CU को लिख दिया अलग। ठीक है, तो यहां पर जो कॉपर सल्फेट था इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, कैसा होता है ब्लू। ठीक है, तो यहां पर इसका कलर कैसा देगा, व्हाइट, या आप इसको मानेंगे कलरलेस, और ये रेड ब्राउन कलर की मेटल आपको अलग मिल जाएगी, कौन सी कॉपर मेटल्स, ब्राउनिश कलर होता है कॉपर मेटल। अब मान लिया क्या है, कॉपर नहीं है, मान लिया आपके पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, आपने इसमें क्या कर दिया, आयरन को डीप कर दिया, किसको डीप कर दिया, आयरन को भिगो दिया या उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, किसको डाल दिया, कॉपर सल्फेट के अंदर। अब कॉपर सल्फेट भी क्या है, तकड़ा है, किससे, CSO4 से, मतलब जो हमारा आयरन है वो क्या है, तकड़ा है, किससे, कॉपर से तकड़ा है ये, तो ये क्या कर रहा है, इसके पैसे छीन लेगा। मत ये मान लो ये जो कॉपर सल्फेट है भाई, ये कमजोर आदमी है, ये क्या है, ताकतवर आदमी है, इसके कॉपर है, कॉपर नाम किस आदमी का है, कॉपर के पास क्या है, SO4 पैसा है, कितना पैसा इसके पास, SO4, तो ये इसके सारे पैसे खोस लेगा, छीन लिया तो धनी कौन बन गया, ये पैसा गया इसके पास, Fe के पास, उसको बन जाएगा FeSO4, और कॉपर हो गया कंगाल। कॉपर कैसा हो गया, कंगाल, क्योंकि इसने तो इसको क्या कर दिया, पैसे खींच के इसको डिस्प्लेस कर दिया, धनी से क्या कर दिया, उसको निर्धन बना दिया। ठीक है,
तो ये एक्सप्रेशन होती है हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है इसकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब हमने जो फर्स्ट अभी स्टडी किया था वो हमने सिंपल किया था डिस्प्लेसमेंट, उसमें कोई भी एक मोर रिएक्टिव होगा वो दूसरे के आंसर क्या करता है, चेंज कर देता है। लेकिन जो डबल डिस्प्लेसमेंट है इसमें क्या होगा, हमारा जो दोनों रिएक्टेंट होंगे वो आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ द आयंस करते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, दो रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब ये रिएक्शन ऐसी है जिसमें क्या होता है, जो दोनों रिएक्टेंट होंगे दोनों के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, आयंस होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द आयंस। इमेजिन हमारे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड है BaCl2, ठीक है, और आपके पास एक है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। जैसे ही इन्हें क्या होगी, रिएक्शन होगी, इसके आयन चले जाएंगे इसके पास, उसके आयन चले जाएंगे उसके पास, तो उससे क्या बनेगा। अब क्या है, जो सोडियम है ये मान लो एक सिंपल सी भाषा है, सोडियम के ऊपर क्या होता है, पोचर होता है। सोडियम क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है, क्योंकि सोडियम क्या है, इसका मेटल है, मेटल इज ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मेटल्स गेन ओनली पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सल्फेट मान लो हमने क्या है, नेगेटिव है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, क्लोरीन का एक नॉन मेटल है, ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब नेगेटिव किसके पास जाता है, हमेशा पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। तो ये क्या हमारे पास क्या है, आयंस बन गए ना, आयंस है। अब आयंस का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, ये दोनों हमारे चीज क्या है, रिएक्टेंट। क्या है ये, रिएक्टेंट। अब मैंने ये बोला है दो जैसे एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ बिटवीन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ द आयंस हुआ है। अब सोडियम किसके आयन लेगा, ले लेगा बेरियम के, बेरियम किसके लेगा, सोडियम के। तो हम अगर Na को सेल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, NaCl, क्योंकि इसने इसके आयन पर ले लिया। और बेरियम क्या करेगा, सोडियम के आयन को ले लेगा, सोडियम के आयन कौन से है, सल्फेट, उससे बनेगा Ba2SO4। अब हमने स्टेशन में क्या दिखा है, जो रिएक्टेंट है दोनों बीच में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ इसका आयंस का, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी BaCl2+CuSO4, ठीक है। इसमें भी आप सिंपल वही कर लो, आयंस लगा लो, चार्ज लगा लिया अपने मेटल और नॉन मेटल से कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जैसे आपने इसमें किया था, इसमें सोडियम था, यहां पर सिर्फ क्या है, कॉपर है। अब कॉपर क्या करेगा, क्लोराइड के आयन को यहां से ले लेगा, उससे बनेगा कॉपर क्लोराइड CuCl2, और जो बेरियम था उससे क्या बनता है, बेरियम सल्फेट Ba2SO4। मतलब इसके अंदर भी क्या हुआ है, जो दोनों रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट के बीच में क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया, किसका, आयंस का एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन,
ये आर एक्स और एन, ये रिएक्शन लिखता हूं मैं शॉर्टकट के अंदर, कहीं ये समझो ये क्या लिख दिया, ठीक है। आर एक्स एन का मतलब होता है शॉर्टकट में रिएक्शन। सबसे पहले हमारे क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब क्या हुआ, दोज रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वो कह रही है जिसमें ऑक्सीजन क्या होती हो, एड होती हो और हाइड्रोजन वहां से क्या होती हो, अलग होती हो, रिमूव होती हो, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अपोजिट क्या होगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, दोज रिएक्शन इन विच एडिशन तो हो जाएगा हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लिया कैप्सुलेशन क्या होगा, मैंने ये बोला है ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है। ये मान लिया आपके पास क्या कॉपर है, कॉपर ने ऑक्सीजन से क्या किया, क्रिया किया, क्या बना दिया कॉपर ऑक्साइड बना दिया, क्या बना दिया कॉपर ऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। कहीं आप सोचो कि रिएक्शन गलत लिख दी सर ने, ठीक है। तो अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आती तो मच बेटर, अगर नहीं आती तो बट आप कमेंट्स कर लेना स्पेशल उसके लिए, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या बताया आपको कि कॉपर के अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीजन एड हो गया ना, तो कॉपर का क्या हुआ यहां पर, ऑक्सीडेशन हुआ। कॉपर का क्या हुआ यहां पर, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इमान क्या है, आप CuO था, आपने इसकी क्रिया करवा दी किसे, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, क्या बनेगा CuO और क्या बनेगा H2O बनेगा कॉपर प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। अब आपने इस एक्शन में क्या देखा, जो CuO था उसमें से क्या हो गया, क्या हटा है, ऑक्सीजन हट गया ना, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो कॉपर का क्या हो गया यहां पे, रिडक्शन हो गया, कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। अब हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में मिला क्या है, ओ मिल गया ना, ओ का मतलब ऑक्सीजन मिल गया, तो यहां पर ऐसा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सिंपल सी बात ये है, जिस चीज में ऑक्सीजन मिल गई, जिस चीज में क्या मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जिस चीज में क्या होगा, ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन वहां से क्या हो गई, रिमूव हो गई, हट गई, तो उसका क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब ये एक प्रोसेस ऐसी है जिसमें रिडक्शन भी हुआ है और ऑक्सीडेशन भी हुआ है, तो इस हम रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी होगी रिडॉक्स रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें यह भी होता हो और यह भी होता हो, तो उसको हम ये होता बोलते हैं, ठीक है। जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हो लेते हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब देखते हैं, इमान हमारे पास क्या है, H2S है और प्लस क्या है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन। अब इससे बनता क्या है, इससे बनेगा आपका सल्फर प्लस HCl, क्या बनेगा, सल्फर प्लस HCl बनेगा। अब इसमें आप ये कहोगे सच में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आप ये देखो हाइड्रोजन रिमूव कहां से हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड कहां पे हो रहा है। जहां पर हाइड्रोजन मिल गया तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। जहां पर हाइड्रोजन हट गया क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये देखो इस रिएक्शन में H2S था ना, एस कहां पे गया, यहां पर गया, मतलब एस से क्या हट गया, H2 रिमूव हो गया ना, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया ना। अगर हाइड्रोजन का रिमूव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं।
तो इसका यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, अब आपने ये देखा जो क्लोरीन था उसमें H मिल गया, क्या मिल गया उसके अंदर, H मिल गया ना। अगर H मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप आपने अच्छी तरह से समझा है और समझ में आ रहा आपको। तो एक लाइक तो जरूर बनता है और मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट्स भी करते रहे ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छी वीडियो लेके आऊं। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स, एस योगन बायोलॉजी के नाम से है। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर।